संसद में बॉलीवुड पर बयान को लेकर रवि किशन और जया बच्चन आमने सामने हैं। यूं कहिए कि ड्रग्स को लेकर बॉलीवुड दो धड़ों में बढ़ चुका है। वहीं रवि किशन को हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव का साथ मिला है। आज जी हिंदुस्तान पर हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव खुद मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं। राजू जी, क्या मानते हैं कि बॉलीवुड को ड्रग्स ने पूरी तरह से जकड़ रखा है क्या? देखिए, ड्रग्स की जो लानत है ये सिर्फ बॉलीवुड में नहीं है, दूसरे क्षेत्रों में भी खूब है। इसकी सफाई होनी चाहिए, दोषी पकड़े जाने चाहिए। सफाई होना बहुत ज़रूरी है, वो चाहे अपने क्षेत्र की हो या बाहर की हो, आवाज़ उठानी चाहिए इनके खिलाफ। अच्छा, मतलब आप जो कह रहे ये बात तो समझ में आ रही है, लेकिन आप क्या मानते हैं कि इसकी जाँच बड़े पैमाने पर होनी चाहिए कि नहीं? इंक्वायरी होनी चाहिए। छोटे छोटे फिल्म स्टार्स क्या हो सकता, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स इस ड्रग्स के मकड़ जाल में फंसे हों, ये तो जांच का विषय है। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि पूरी फिल्मी दुनिया को हम एक कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। लेकिन बहुत सारे लोग, अब हमारे पास कोई सबूत तो है नहीं है, हम तो कई बार उनकी शक्ल देख के, उनके हाव भाव देख के हमको लगता है यार ये नशेड़ी है, नशेड़ी है, इसने पिया होगा, इसने लिया होगा। नहीं, नाम पर्टिकुलरली किसी एक के ऊपर नहीं इशारा दिया जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि इन्वॉल्वमेंट जिसकी है उस पर चर्चा हो, उस पर बात हो, उस पर जांच हो। वैसे राजू जी, इसकी शुरुआत सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद नेपोटिज्म के आरोपों से हुई थी। क्या आपको भी लगता है कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म है? नेपोटिज्म की बात है, टैलेंट की कदर होनी चाहिए, जो योग्य है उसकी मदद करनी चाहिए, वो चाहे आउटसाइडर हो या किसी फिल्म स्टार्स का बेटा हो। ये वही बॉलीवुड है जहाँ जिसने कंगना रनावत, रवि किशन, मैं या ऐसे जितने भी स्टार्स हैं, धर्मेंद्र हैं, ये पुराने जितने भी हैं, इनका कोई गॉडफादर फिल्मी दुनिया में नहीं था, सब बाहर से लोग आए, सबको चांस मिला। चलिए, कुछ पॉइंट्स और भी ऐड ऑन हो रहे हैं, लेकिन आखिर में सिर्फ मैं इतना पूछूंगा कि थाली में छेद कौन कर रहा है? देखिए, हम लोग ना अपनी थाली में छेद करते हैं ना दूसरे की थाली में छेद करते हैं। लेकिन अच्छा तो ये होगा, मिसाल तो तब बनेगी कि हम जिस फील्ड में काम करते हैं, जिस क्षेत्र में हैं, अगर वहाँ कोई गंदगी है, वहाँ कोई साजिश है, वहाँ कोई चाल है, वहाँ कोई गलत काम हो रहा है, तो पहले हम उसकी आवाज़ उठाएं, उस गंदगी को साफ करें, तब तो हम अपने प्रोफेशन के साथ समझो न्याय कर रहे हैं। जी हाँ, जिस प्रोफेशन को न्याय करने की बात हो रही है वहां पर उस सफाई की ओर भी ध्यान देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजू जी हमसे बातचीत करने के लिए। छोटा सफर में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुनें अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान की लाइव टीवी पे कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।